आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर जांच करेगी केंद्र सरकार। अमित शाह ने सुरक्षा सचिव की अध्यक्षता में बनाई समिति। मुल्लीबाई मामले का मास्टरमाइंड नीरज बिश्नोई असम से गिरफ्तार। पुलिस से उगले कई राज। केंद्र सरकार ने की नीट पीजी में आरक्षण की तरफदारी। सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है अपना फैसला। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का दिखने लगा चौतरफा असर। होटल उद्योग पर बढ़ा जोखिम। बड़गाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। देर रात हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। पूर्वांचल की सूरत बदल देगी। 4000 करोड़ रुपए की 252 किलोमीटर लंबी ये सड़क नितिन गडकरी ने दिया तोहफा। अयोध्या में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने की समीक्षा। बोले विधानसभा चुनाव की तैयारी पुख्ता। अयोध्या में भूकंप के तेज झटके। किसी जनहानि या नुकसान की सूचना नहीं। मेरठ में फूटा कोरोना का बम। एक दिन में मिले कोरोना के 303 नए मरीज। 99 लोग भी मिले कोरोना संक्रमित। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आज देंगे 67 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पहली बरसी पर बोले राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका लोकतंत्र के गले पर रखी गई तलवार। ट्रंप को ठहराया जिम्मेदार। तालिबान ने महिलाओं के खेलने पर लगाया प्रतिबंध। एथलीट खेलों पर लगी रोक। फ्रांस से ठोका गूगल फेसबुक पर 1768 करोड़ का जुर्माना। और कई वजह भी आई सामने। अमेरिका में मचा हड़कंप। अस्पतालों में वेंटिलेटर। ओमिक्रॉन मरीजों से भरना शुरू। कम पड़ने लगे बिस्तर। चीन की चिंता के बीच ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा समझौते पर किए दस्तखत। राफेल नडाल ने पहला मैच जीता। सानिया मिर्जा एडिलेड इंटरनेशनल WTA सेमीफाइनल में। चेल्सी ने लीग कप के सेमीफाइनल मुकाबले के पहले चरण में टॉटनहम को 20-0 से हराया। जोहान्सबर्ग में हार के बाद भी टीम इंडिया के पास है इतिहास रचने का मौका। केप टाउन में कर सकती है कमाल। नोवाक जोकोविक को ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश नहीं। वीजा रद्द मामला अदालत पहुंचा। दूसरा टेस्ट हारने के बाद राहुल द्रविड़ बोले ऋषभ पंत को कोई भी खिलाड़ी ये बात नहीं कहेगा। स्वरा भास्कर परिवार सहित हुई कोरोना पॉजिटिव। कहा डबल वैक्सीन ली है उम्मीद है जल्द सब ठीक होगा। दि कपिल शर्मा शो के एक्टर तीर्थानंद ने खाया जहर। आर्थिक तंगी के चलते दी जान देने की कोशिश। मशहूर लेखक निर्देशक पीटर बोगदानोविच का 82 साल की उम्र में निधन।
रिलीज से पहले राजा मौली की आरआरआर पर कानूनी शिकंजा, तेलंगाना हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल। फिल्म वलीमाई की रिलीज टली, मेकर्स ने जारी किया आधिकारिक बयान। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।